मैं जयंत रावल हूँ और मैं डोली अरमानो की मैं देवी शंकर सिंह का करेक्टर कर रहा हूँ, उर्मी के फादर का रोल है। सीक्वेंस ये है कि हमारी जो बेटी हैं उर्मी जो बनी है, उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ एक बोल्ड स्टेप लिया है। ससुराल छोड़ के वो आ चुकी हैं, बाहर निकल चुकी हैं और समाज की जैसी मान्यता है, मैं भी उसको अपने घर में जगह नहीं देता हूँ, तो वो अलग अलग जगहों पे जाके रह रही हैं, अपने की स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, और उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं मिलता है, जिसका खैर मुझे तो अफसोस है, एज ए पर्सन पर्सनली मुझे अफसोस है, लेकिन समाज की यही रीति है कि बेटी का घर ससुराल ही होता है, तो ससुराल में ही जीना वहीं मरना होता है विदाई के बाद। तो वो इतनी स्ट्रगल कर रही है और उसका जो हस्बैंड बना है सम्राट सिंह राठौड़, वो बहुत उसको यातनाएं देता है, टॉर्चर करता है, तो उस जद्दोजहद में ज़िंदगी जीने के लिए वो बहुत कुछ कर रही है और उसी को सोचते हुए उसकी माँ बहुत परेशान है और कहती है कि जो लोग दुष्ट हैं वो लोग तो चैन की नींद सो रहे हैं और जो लोग अच्छे लोग हैं उनको भगवान भी उनका साथ नहीं देता है, साथ देता है लेकिन काफ़ी इम्तहान लेने के बाद। ट्विस्ट नहीं है, ये एक रेगुलर है कि भाई बेटी बाहर है घर से और बाप से वो कांटेक्ट नहीं करती है, किसी तरह वो माँ और भाई से कांटेक्ट करती है, तो ये सारी सिचुएशंस माँ को ज़्यादा पता हैं और बाप सोचता है उसके बारे में लेकिन वो उतना क्लियरली नहीं बोल पाता है क्योंकि एक समाज की रीति ऐसी है यहाँ पे, तो उससे उसकी माँ बहुत बहुत उसको धक्का लगा हुआ है और बहुत तकलीफ है कि बेटी उसकी है और अच्छा खासा घर है, यहाँ पे रह सकती है, यहाँ रह के कर सकती है जो भी वो करना चाहे, लेकिन बाप उसका यानी मैं उसको नहीं आने देता हूँ घर में, तो बस वही उसी लिए वो दुखी है कि बेचारी बाहर है और कितनी यातना है, कितने दुख कितनी तकलीफें झेल रही है अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए। नहीं, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ इस करेक्टर को क्योंकि देखा जाए तो हमारे समाज में तो यही है ही है कि लड़की की एक बार शादी हो गई तो उसका नाता मायके से बस नाम मात्र का रहता है कि आए दो चार छः दिन रुके फिर चली जाए, सब कुछ ससुराल ही होता है, लेकिन मैं एक चीज़ ये पूछता हूँ कि अगर ससुराल में भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता, उसको वो प्यार नहीं मिलता है जो मायके में मिलता है, तो लड़कियाँ क्या करें, तो इसलिए मेरा तो एक यही सजेशन है कि उनको सपोर्ट करिए, लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पढ़ सके, अपने कभी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आए कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़े तो वो उस काम को कर सकें।